conquer. A challenging GET contest, engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for GET till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GET deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GET challenge. Unacademy Combat. Register now. बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। मायसेल्फ अभिषेक शर्मा, मैं हूं आप लोगों का जीएस और जीके का कोच, और ये क्लास है आपकी आगे आने वाले आरबीएनएल के एग्जाम के लिए और भी किसी पीएसयू एग्जाम के लिए लास्ट सिक्स मंथ्स के करंट अफेयर्स का कलेक्शन, लास्ट सिक्स मंथ्स के करंट अफेयर्स का कलेक्शन बच्चों, ठीक है। तो बच्चों, आज जो है पीछे के छह महीने में से कुछ इंपॉर्टेंट कलेक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए निकाल करके लाया हूँ। कल भी एक क्लास में मैंने कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको कराए थे जो पास्ट के सिक्स मंथ्स में से थे, आज भी कुछ क्वेश्चंस अब उसमें से मैं करा रहा हूँ बच्चों। ऐसे करके मैं कुछ क्वेश्चंस आपके जो सॉलिड वाले क्वेश्चन है जिनके आने के चांसेस ज्यादा है वो क्वेश्चन हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। चलिए, आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि मेरी आवाज क्लियर आ रही है और मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूँ और फिर हम अपने क्वेश्चंस पर आगे बढ़ेंगे बच्चों। चलिए, आज एक और क्लास है। आज हमने सुबह 10 बजे राजस्थान जीके के मैराथन की एक क्लास की थी। राजस्थान जीके की एक दूसरी क्लास आज 8 बजे भी होनी है शाम को। आज शाम को 8 बजे राजस्थान जीके की दूसरी क्लास भी होनी है। और अभी ये हम राजस्थान ये आरबीएनएल एग्जाम के लिए करंट अफेयर पास्ट सिक्स मंथ का कवर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से मैं आपको बता दूं बच्चों, मेगा कॉम्बैट अभी बता देते हैं बेटा, अभी बता रहे हैं। मेगा कॉम्बैट जो है बच्चों, कल संडे को सुबह 11 बजे मेगा कॉम्बैट होगा अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। तो कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करने पर आपको पहले से ज्यादा इस बार जो है स्कॉलरशिप मिलेगी और बच्चों पहले से ज्यादा गिफ्ट मिलेंगे। तो इस बार का कॉम्बैट इसीलिए कहा गया है मेगा कॉम्बैट। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाइए, कोड यूज करिए और कॉम्बैट सेक्शन में जाइए, किसी भी एजुकेटर का कोड लगाइए, मेरा कोड है अभिषेक01, किसी भी एजुकेटर का कोड लगाइए और खुद को रजिस्टर कर लीजिए बच्चों, ठीक है। कल फिर 11 बजे एक घंटे का टेस्ट है, वो दीजिएगा बच्चों। नाउ अनअकैडमी का लर्निंग ऐप पर बच्चों एक पेड प्रोग्राम है प्लस प्रोग्राम, इस पर एक्सलरेट और आरोहण बैच स्टार्ट हुए हैं गेट 2022 और 2023 के लिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। इसे ज्वाइन करने के लिए अनअकैडमी के पेड प्रोग्राम प्लस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। डिफरेंट ब्रांचेस के जो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स हैं उन्होंने अनअकैडमी के पेड प्रोग्राम प्लस पर अपने बैचेस स्टार्ट करे हैं, इनकी क्लास अटेंड करने के लिए प्लस ज्वाइन करें। प्लस सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको डेली मिलती है लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेस, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस। आइकॉनिक दूसरा पेड प्रोग्राम है, प्लस से बेटर है, ये ज्वाइन करने पर आपको मिलती है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर, टेस्ट एनालिसिस, डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर्स और स्टडी मटेरियल बच्चों। अगर आप अनअकैडमी का पेड प्रोग्राम प्लस लेते हैं तो लेने से पहले एजुकेटर का कोड लगा लीजिएगा, जैसे मेरा कोड अभिषेक01 है, ये लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। हर एजुकेटर कोड से 10% का डिस्काउंट मिलता है बच्चों। 12 मंथ्स के चार्जेस होंगे अराउंड 29,000, 24 मंथ्स के चार्जेस होंगे अराउंड 42,000 बच्चों। एक और पेड प्रोग्राम आइकॉनिक जो है, अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो अभिषेक01 कोड पहले लगा लीजिएगा या कोई भी एजुकेटर का कोड लगाइएगा, मिलेगा आपको 10% का डिस्काउंट बच्चों। 12 मंथ्स के चार्जेस होंगे अराउंड 45,000, 24 मंथ्स के चार्जेस होंगे अराउंड 66,000 बच्चों।
अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बच्चों फ्री स्पेशल पेड क्लासेस प्लस क्लासेस तो चलती हैं, लेकिन फ्री स्पेशल क्लास भी है। फ्री क्लासेस जैसे मेरी फ्री क्लास होगी आज 10:30 PM पर, बच्चों फ्री क्लास होगी मेरी 10:30 PM पर, तो फ्री क्लास ज्वाइन करने के लिए चैट बॉक्स में लिंक मिला है, उससे आप मेरे प्रोफाइल पर चले जाएं और मुझे फॉलो कर लें बच्चों। इस फ्री क्लास में मिलती है, स्पेशल क्लास में आपको इंटरेक्टिव क्लास, पोल्स की सुविधा, नोटिफिकेशन की सुविधा, नोट्स तुरंत मिल जाते हैं और कहीं भी आप इन क्लासेस को देख सकते हैं बच्चों। चलिए ये क्वेश्चन हमने कल कर लिए थे, आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, कल वाले क्वेश्चन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुलशाद, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाओ और अपने आप ही सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन सर्च करो और सब्सक्रिप्शन ले लो बेटा। पेडी तो करना है, पैसे देने हैं, पैसे दे दो, सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। कोड लगा लेना अभी, कोई भी कोड, कोड मैंने बताई है अभी आपको, तो छूट मिल जाएगी आपको, है ना। चलिए बच्चों तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया, मुझे पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया, जल्दी से अपनी अटेंडेंस दर्ज कर दो। अटेंडेंस कैसे दर्ज होती है, आपको लाइक करना है और शेयर करना है, क्लास को शेयर करो यार, जाते जाते जरा अच्छा सा, जरा अच्छा से स्ट्रेंथ दो कम से कम, ठीक है। और चैट बॉक्स में गार्डन चाहिए मुझको, चैट बॉक्स में चाहिए गार्डन, और उधर लाइक करो और शेयर करो, जरा सेशन को शेयर कर दो यार। बहुत कम लोगों को मालूम है 4:30 की क्लास, सबको 1 बजे का पता होता है। चलो और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, विच नेशन हैज टॉप्ड द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021 का वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स किस कंट्री ने टॉप किया, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021 का किस कंट्री ने टॉप किया। थैंक यू कुमार, थैंक यू मयंक, थैंक यू मयंक, तुमने राजस्थान के अंदर नारियल के पेड़ लगाए हैं, राजस्थान में तुमने नारियल के पेड़ लगाए मयंक। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, यस राइट आंसर है बच्चों, राइट आंसर है डी, राइट आंसर इज डी स्विट्जरलैंड बच्चों। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021 में नंबर वन रहा स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड इज द नंबर वन। कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में तो स्विट्जरलैंड ही वन था मेरे ख्याल से यार, स्वीडन नहीं था यार, चेक कर लो लक्ष्मी नारायण एक बार फिर चेक कर लो भाई तुम, मेरे ख्याल से कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में तो स्विट्जरलैंड ही नंबर वन था शायद, स्वीडन बहुत जगह नंबर वन है लेकिन शायद कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में स्विट्जरलैंड नंबर वन था। एक बार चेक कर लिया तुमने, गूगल कर लिया क्या, मुझसे करवाओगे गूगल, लेट मी सी, पुराना मैं भी चेक कर लूं यार जरा, लेट मी चेक। रैंक वन ऑन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021 करवा रहे हो। अब अगला क्वेश्चन तो वैसे आउट हो जाएगा, तुम लोग इतनी देर में तो ढूंढ ही लोगे सब, जस्ट ए मिनट। क्या स्विट्जरलैंड रैंक वन है, स्वीडन रैंक टू था, स्वीडन रैंक टू था, स्विट्जरलैंड ही रैंक वन है भाई मेरे, रैंक वन स्विट्जरलैंड ही है, फिर से वही हुआ तुम लोग जो करते हो, रैंक वन स्विट्जरलैंड ही है, स्वीडन रैंक टू है, रैंक वन स्विट्जरलैंड है बच्चों, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स पर रैंक वन स्विट्जरलैंड है और स्वीडन रैंक टू है। चलो आगे बढ़ते हैं यार, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन अब इंडिया की रैंक क्या थी,
इंडिया हैज बीन रैंक्ड एट विच पोजीशन ऑन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2021। इंडिया की रैंक कितनी है जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर टू का आंसर, इंडिया की रैंक कितनी है? कुमार गलत है, अब ठीक है कुमार, राइट आंसर इज C-43। राइट आंसर इज C-43 बच्चों, यस। रैंक टू जो इंडिया की रैंक आई है इस पर रैंक इंडिया की 43 है, स्विट्जरलैंड की रैंक 1 है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इज़राइल का नया प्राइम मिनिस्टर कौन बना? Who has become the new Prime Minister of Israel? Israel का new Prime Minister कौन बना? Israel का नया Prime Minister कौन बना? Who has become the new Prime Minister of Israel? हाँ जल्दी बताओ बच्चों, बाकी सब भी बताओ, यस आंसर सबको देना है। राइट आंसर है बच्चों नफ्ताली बेनेट, नफ्ताली बेनेट, यस नफ्ताली बेनेट, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल नफ्ताली बेनेट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट विल बी लॉन्च फ्रॉम विच नेशन? नवंबर में लॉन्च होगी, कौन सा देश छोड़ने जा रहा है? नवंबर में लॉन्च करेगा, कौन सा देश करेगा वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट? वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट कौन सा देश लॉन्च करेगा? वर्ल्ड फर्स्ट वुडन सैटेलाइट, यस द राइट आंसर इज न्यूजीलैंड बच्चों, सब लोगों को देना है आंसर, राइट आंसर इज न्यूजीलैंड बच्चों, बिल्कुल सही, न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। रवि प्रकाश कोई बात नहीं, न्यूजीलैंड इज द राइट आंसर, याद कर लो, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन नहीं बताओगे तभी तो हमारी जरूरत पड़ेगी, वरना तो हम बेरोजगार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें सारे आने भी नहीं चाहिए, तुम्हें सारे आ गए तो हम बेरोजगार हो जाएंगे ना, तो कुछ तो नहीं भी आने चाहिए, कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, आईसीसी इस साल आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 2021 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसको जगह दी गई? आईसीसी इस साल आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसको जगह दी गई? सब लोग ए लगा रहे हैं, एक जने का आंसर बी आया है रितेश का, ज्यादातर लोगों का ए आंसर आ रहा है। अब नॉर्टो का बी हो गया है, नॉर्टो बेटे इसका मतलब क्या होता है यार, नॉर्टो का सही बात है, गरीबा सही कह रही हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो बच्चों इसका आंसर है विनू मांकड़, याद रखना विनू मांकड़ इज द राइट आंसर। अच्छा ओके यार, मुझे इतनी जानकारी नहीं है यार, अच्छा नॉर्टो, तो यस विनू मांकड़, विनू मांकड़ जो है को हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई बच्चों, विनू मांकड़ को हॉल ऑफ फेम में जगह दी गई, आईसीसी हॉल ऑफ फेम के अंदर विनू मांकड़ को जगह दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन बोथ, हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन बोथ वुमेन सिंगल्स एंड डबल्स टाइटल एट द फ्रेंच ओपन? 2000 के बाद 21 साल बाद ऐसा हुआ
कि एक महिला ने वुमेन सिंगल भी जीता और डबल्स भी जीता, एक महिला ने वुमेन सिंगल्स भी जीता और डबल्स भी जीता, वुमेन सिंगल्स भी जीता और डबल्स भी जीता। ठीक है, बताओ जल्दी से, कुछ बच्चों ने डी आंसर लगाया है, कुछ बच्चों ने बी आंसर लगाया है, भूल रहे हैं बच्चे, कुछ ने ए आंसर लगाया है। द राइट आंसर इज बच्चों ए, बारबोरा क्रेस्किकोवा, बारबोरा क्रेस्किकोवा, ए इज द राइट आंसर, बारबोरा क्रेस्किकोवा, ये चेक रिपब्लिक की खिलाड़ी है, बारबोरा क्रेस्किकोवा चेक रिपब्लिक की टेनिस खिलाड़ी है, इन्होंने इस साल फ्रेंच ओपन का वुमेन सिंगल्स भी जीता है और फ्रेंच ओपन में डबल्स में भी जीती है, डबल्स में भी जीती हैं और फ्रेंच ओपन सिंगल्स भी जीता है इन्होंने। ठीक है, ए इज द राइट आंसर, बारबोरा क्रेस्किकोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, Who has been conferred with Energy Frontier Award 2020? किसको इनमें से किसको Energy Frontier Award 2020 मिला? इनमें से किसको Energy Frontier Award 2020 मिला? Energy Frontier Award 2020 किसको मिला? Right answer is D बच्चो, CNR Rao. राइट आंसर इज डी, सी एन आर राव। यस, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर बताओ, विच नेशन रिसेंटली ऑनर्ड नोबल ल्यूरेट अमर्त सेन विद इट्स टॉप अवार्ड इन सोशल साइंस? किस देश ने अमर्त सेन का सम्मान किया अपने टॉप अवार्ड से, सोशल साइंस के अपने टॉप अवार्ड से किस देश ने अमर्त सेन को, बिल्कुल सही गरिमा, किस देश ने अमर्त सेन को सम्मानित किया, किस देश ने अमर्त सेन को सम्मानित किया? नोटो बेटो आंसर ठीक नहीं है, कुछ और ट्राई करो, जर्मनी इज नॉट द राइट आंसर, भूल रहे हो तुम लोग, भूल रहे हो, तो मुझे भी याद था, स्पेन इज द राइट आंसर बच्चों, स्पेन इज द राइट आंसर, टेंथ का आंसर है सी, स्पेन इज द राइट आंसर, स्पेन ने बच्चों, बेसिकली स्पेन ने जो है अमर सेन को अपना हाईएस्ट सोशल साइंस का हाईएस्ट अवार्ड दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, विच एनिमल विल बी री इंट्रोड्यूस इन इंडिया आफ्टर बींग डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन 1952? 1952 में इसे एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था, वापस अब इसको इंडिया में लाया जा रहा है, 1952 में इंडिया में एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था, वापस अब इसको इंडिया में लाया जा रहा है, बताओ, हद हो यार, इतना बेहतरीन जानवर एक्सटिंक्ट हो जाए, इतना किसी की औकात नहीं है ये बनने की, तो इसलिए एक्सटिंक्ट ये हो जाए तो फिर कैसे करेंगे, कोई और तो बन नहीं सकता ये। राइट आंसर इज, आप सबको पता है, यस, साउथ अफ्रीका से लाए जा रहे चीता है, यस, चीता इज द राइट आंसर, चीता इज द राइट आंसर, यस बच्चों, चीता इज द राइट आंसर। कुमार फिर ऐसे ही देखेंगे बच्चे, अब भी ऐसे ही देख रहे बच्चे, कुमार तुम्हारे बच्चे ऐसे ही देखेंगे, एनिमेटेड चीता,
एनिमेटेड चीता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही होता जा रहा है, जैसे हम लोगों ने लोमड़ी की कहानियां बहुत सुनी थी पर लोमड़ी देखी नहीं। लोमड़ी की कहानियां बहुत सुनी थी पर लोमड़ी अब देखने को नहीं मिलती, ऐसे ही हो रहा है। कहते थे बहुत चालाक होती है लोमड़ी, मतलब इंटेलेक्चुअल आईक्यू लेवल हाई होता होगा लोमड़ी का। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, यस इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। माउंट नियारा गोंगो इरप्टेड आफ्टर ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स ऑन इन मई 22, 2021। द एक्टिव वॉल्केनो इज लोकेटेड विद इन विच नेशन, किस देश में ये एक्टिव वॉल्केनो है। इसके इरप्शन से वहां पर लोगों की जान जाते जाते बची बस, इसके इरप्शन से। भारत ने यहां पर अपनी मदद भी भेजी थी। तुम्हारे यहाँ तो सब सारी तुम्हारे यहाँ तो जो है राजनीतिक दलों में भी बहुत बैठी हुई है लोमड़िया तुम्हार, है ना। सारी लोमड़ी तुम्हारे यहाँ ही पहुंची हुई है। यस राइट आंसर है बच्चों, यस राइट आंसर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। राइट आंसर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। राइट आंसर है बच्चों डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये सब पढ़ा था आपने, आप भूलते जा रहे हो, सब पढ़ा था आप लोगों ने। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, द मिलिट्री ऑफ विच नेशन हैज अरेस्टेड द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर। एक देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तीनों को अरेस्ट कर लिया वहां की मिनिस्ट्री ने, किस देश में। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर तीनों को अरेस्ट कर लिया एक देश की मिलिट्री ने, किस देश की मिलिट्री ने। हाँ राइट आंसर है, यस बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। न्यूटो तो झंडा भी ले आया। राइट आंसर है माली बच्चों। सही कह रहे हो मयंक, बिल्कुल सही। राइट आंसर इज माली, राइट आंसर इज माली, बिल्कुल राइट आंसर इज माली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H10N3 बर्ड फ्लू हैज बीन रिपोर्टेड इन विच नेशन। वर्ल्ड्स फर्स्ट ह्यूमन केस ऑफ H10N3 बर्ड फ्लू हैज बीन रिपोर्टेड इन विच नेशन। हर चीज की शुरुआत कौन करता है, जो हर बात की शुरुआत करता है वही, जो हर बात की शुरुआत करता है वही। अच्छा चुपचाप जिन्होंने भी अभी तक अपनी अटेंडेंस दर्ज नहीं की है, लाइक और शेयर करके अटेंडेंस दर्ज कर दो। चलो यस राइट आंसर इज बच्चों ए चाइना, बिल्कुल सही जवाब, चाइना इज द राइट आंसर। न्यूटो के पास सारे देशों के झंडे हैं, जिसका पूछो वो एकदम उसका झंडा दे देता है। आगे बढ़ते हैं, न्यूटो तुम्हारे पास पॉलिटिकल पार्टीज के भी हैं सबके झंडे या केवल देशों के ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताना बच्चों, टोक्यो के चक्कर में भूल मत जाना मैरी कॉम को। टोक्यो में भली जो है मैरी कॉम नहीं कर पाई, लेकिन मैरी कॉम वॉन विच मेडल एट 2021 में, एक प्रेस्टीजियस मेडल उन्होंने जीता है 2021 में। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उसने उन्होंने कौन सा मेडल जीता है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने कौन सा मेडल जीता है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है मैरी कॉम ने। अभी 2021 में ही हुई थी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। रवि प्रकाश का आंसर इस बार सही है, कुमार गलत है, बी सिल्वर जीता था।
सिल्वर जीता था कुमार, सिल्वर मेडल एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर जीता था। शुभम कहाँ हुआ था यार, मुझे भी याद नहीं आ रहा, शायद इधर कहीं हुआ था, कजाकिस्तान वजाकिस्तान की तरफ कहीं हुआ था यार। कहाँ हुई थी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप? शुभम एक बार गूगल कर लेना यार, ठीक है, मुझे भी याद नहीं आ रहा अभी इस समय। कजाकिस्तान में हुआ था, कोई दुबई लिख रहा है, कुमार दुबई लिख रहा है, चेक कर लेना एक बार यार। चलो आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। किस देश के साथ इंडियन नेवी ने पैसेज एक्सरसाइज की इंडियन ओशन में? किस देश के साथ इंडियन ओशन में अक्षत, तुम यार बस ये लगा क्यों रहे हो? देखो अक्षत, जो तुम्हारे बस की हो वो करो, जो तुम्हारे बस की हो बेटा वो करो, एग्जाम से पहले ये सब सोचने का क्या फायदा। अच्छा ये सोच के कौन सा तुम पॉजिटिव में आ जाओगे अगर नेगेटिव में जा रहे हो तो? ये सोच के कौन सा पॉजिटिव में आ जाओगे बेटा? पॉजिटिव में आने के लिए कम से कम पॉजिटिव तो सोचो, नेगेटिव सोच के कैसे पॉजिटिव आओगे। चलो पैसेज एक्सरसाइज इंडियन ओशन में, पैसेज एक्सरसाइज इंडियन ओशन में इंडियन नेवी ने किसके साथ की? इंडियन नेवी में ने किसके साथ पैसेज एक्सरसाइज की? बच्चों राइट आंसर है यूएसए, राइट आंसर है यूएसए, नहीं गलत ध्यान है तुम लोगों को, राइट आंसर है यूएसए बच्चों, डी इज द राइट आंसर, यूएसए इज द राइट आंसर। अब ये याद रखना तो पड़ेगा ना, यूएसए के साथ पैसेज एक्सरसाइज की। अब ऑप्शन सामने आएगा तुम्हें याद आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से ऑप्शन देखो। और एक और बात है, बाद में अपना जरा स्कोर भी चेक करो कि तुमने कितने ठीक किए हैं, तो ये सब पढ़े हुए हैं तुम्हारे, तो यूएसए इज द राइट आंसर, तभी तो रिवीजन करा रहे हैं। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसअपॉइंट और निराशावादी बातें मत किया करो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ओलंपिक मेडलिस्ट का इनका नाम अभी भी काफी आया, कर्णम मल्लेश्वरी जो है पहली वाइस चांसलर बनी है दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की पहली वाइस चांसलर बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। एक तो अपने में ये फैक्ट है जो याद रखना है, अपने में ये फैक्ट याद रखना है, ये किस स्पोर्ट से जुड़ी हुई थी या जुड़ी हुई है? कर्णम मल्लेश्वरी किस स्पोर्ट से जुड़ी हुई है? अभी काफी चर्चाओं में आई थी, काफी चर्चाओं में आई थी जब हमने सिल्वर लिया था अभी वेट लिफ्टिंग में तब, है ना? तो राइट आंसर है बच्चों वेट लिफ्टिंग, राइट आंसर है वेट लिफ्टिंग। ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था, ओलंपिक्स में वेट लिफ्टिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने। यस ठीक है, यस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। किस ओके न्यूटो, ओके थैंक यू, ये किताब किसने लिखी है? इट इज अ वंडरफुल लाइफ, ये बुक किसने लिखी है? इट इज अ वंडरफुल लाइफ, जिसने भी लिखी हो मैसेज अच्छा है, किसने लिखी है बुक? एक बहुत ही वंडरफुल आदमी ने लिखी है वंडरफुल लाइफ बुक, वंडरफुल आदमी ने वंडरफुल लाइफ बुक लिखी है। यस रस्किन बॉन्ड बच्चों, राइट आंसर इज रस्किन बॉन्ड। ज्यादातर लोगों ने आंसर गलत किया इसका, वंडरफुल आदमी ने वंडरफुल बुक लिखी है रस्किन बॉन्ड, ठीक है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। नेटो ने ब्लैक सी में एक ड्रिल लॉन्च की थी जिससे जो है रशिया नाराज हुआ था, बहुत रशिया काफी नाराज हो गया था, रशा काफी नाराज हुआ था क्योंकि नेटो ने ब्लैक सी में एक देश के साथ एक्सरसाइज की थी, ड्रिल की थी ब्लैक सी के अंदर। क्या
किस देश के साथ की थी, नेटो फोर्सेस ने किस देश के साथ ब्लैक सी में जो है एक्सरसाइज की, ड्रिल की, जिससे कि रशिया काफी नाराज हुआ। जल्दी बताओ, केवल अभी तक एक बच्चे ने आंसर दिया है, जल्दी बताओ भाई। साउथ बच्चों, यूक्रेन इज द राइट आंसर, यूक्रेन के साथ। यूक्रेन जो है रशिया से नाराज है, यूक्रेन नेटो फोर्सेस की तरफ बढ़ गया है, तो अब इससे रशिया नाराज हो रहा है कि यूक्रेन के साथ मिलकर के नेटो जो है वो कह रहा है कि रशिया के खिलाफ आप षड्यंत्र कर रहे हो, तो इस पर रशिया काफी नाराज हुआ था यूक्रेन। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों, जैकब जूमा किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, इनको जेल हुई 15 महीने की। किस देश के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, इनको 15 महीने की जेल हुई, जैकब जूमा को 15 महीने की जेल अनाउंस की गई थी जैकब जूमा को। किस देश के प्रेसिडेंट थे ये, तो बच्चों ये प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे बच्चों, ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे। न्यूटो तुम सारे गलत झंडे लगा रहे हो, उस समय साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे ये, ठीक है। साउथ अफ्रीका इज द राइट आंसर, जैकब जूमा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, इनको 15 मंथ्स की जेल अनाउंस की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ, ये तो बता दोगे तुम लोग, आंसर बताओ। एक मिनट बच्चों, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है। नाउ बच्चों, तो यस राइट आंसर इज अमेजॉन, अमेजॉन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। अमेजॉन ने खरीदा है विकर को, अमेजॉन इज द राइट आंसर, अमेजॉन को खरीदा, अमेजॉन ने खरीदा है विकर बच्चों, बिल्कुल ठीक है, अमेजॉन ने विकर खरीदा है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों। एक इंडियन है, उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था मंगोलिया का, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, मंगोलिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला था, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार मिला था इनको, द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार मिला था, मंगोलिया का हाईएस्ट अवार्ड, जैसे हमारे यहां भारत रत्न होता है, जैसे हमारे यहां भारत रत्न होता है, ऐसे ही वहां का अवार्ड ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार था, किसको दिया गया, किसको दिया गया। यस,
आर के सबरवाल इज द राइट आंसर। चैट बॉक्स में बताओ आर के सबरवाल कौन है, चैट बॉक्स में बताओ आर के सबरवाल कौन है, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में कि आर के सबरवाल कौन है बच्चों, चैट बॉक्स में बताओ आर के सबरवाल कौन है। यस बिल्कुल सही, इंजीनियर्स इंडिया के हेड, बिल्कुल सही कुमार ने सही बताया, इंजीनियर्स इंडिया के हेड है आर के सबरवाल। और इन्होंने जो है, नहीं बेटे आर के सबरवाल इंजीनियर्स इंडिया के हेड हैं, और इन्होंने मंगोलिया में पहली रिफाइनरी सेटअप करवाई, मंगोलिया के अंदर पहली रिफाइनरी सेटअप करवाई, इसलिए जो है, इसलिए इनको मंगोलिया ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, बच्चों, क्योंकि इन्होंने मंगोलिया की में रिफाइनरी सेटअप करवाई। एक और रिक्वेस्ट है, जितने बच्चे क्लास में हैं अपनी अटेंडेंस जरूर दर्ज कराना आज की क्लास में यार, तो लाइक और शेयर भी उतना ही होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आर के सबरवाल इज द राइट आंसर, आर के सबरवाल इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शिवाजी बेटे क्या हो गया आपको, स्विट्जरलैंड कहां से आ गया? स्विट्जरलैंड तो पहले क्वेश्चन का आंसर था शिवाजी, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। चलो आगे बढ़ते हैं, हो सकता है वो पीछे से देख रहा होगा, शायद चैट बॉक्स में अभी वो आंसर लिख रहा होगा, हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू बी रेबीज फ्री? बच्चों भारत का पहला राज्य जो रेबीज फ्री अनाउंस हुआ है, भारत का पहला राज्य जो कि रेबीज फ्री अनाउंस हुआ है, यस गोवा, यस गोवा, माय फेवरेट स्टेट गोवा, यस बिल्कुल सही बच्चों गोवा। एक बार तुम लोग सब गोवा जरूर जाना यार, जब भी जाओ तो गोवा जरूर जाना, एक बार नहीं मतलब एक बार तो तुम्हें जाना, फिर तो तुम बार बार जाओगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व डैश एज द इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स, यूनाइटेड नेशन ने एक डे को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स अनाउंस किया है, यूनाइटेड नेशन ने एक डे को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स अनाउंस किया है, किसको? ओके शुभांगी, तो शुभांगी यू मस्ट लाइक गोवा है ना, यस फुल ऑफ एनर्जी। यस राइट आंसर बच्चों, राइट आंसर है 29 जून बच्चों, बिल्कुल 29 जून इज द राइट आंसर। यस बड़ी जल्दी यार, बड़ा मन है मुझे वापस जाने का गोवा, क्या होगा यार कहां जाने का मन है, जा कहीं नहीं पा रहे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण हैज अनाउंस्ड द रिलीफ पैकेज, कितने करोड़ का पैकेज? चलो यार नेचर लवर, तुम्हारा तो नाम भी नेचर लवर है, तुम तो जन्नत में भी ले जाओ साथ में चले चले, तुम्हारा तो नाम ही नेचर लवर है। निर्मला जो हमारी यशस्वी हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने देश की जनता को कुछ दिया था, कितना दिया था? अभी सेकंड वेव के बाद फर्स्ट वेव के बाद तो 20 लाख करोड़ दिया था,
सेकेंड वेव के बाद कितना दिया था? यस बच्चों, द राइट आंसर इज 6,28,993 करोड़, 6,28,993 करोड़, 6,28,993 करोड़ बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बात तो है मयंक, पता नहीं मयंक हमको अब तक इतना कुछ मिल चुका है हमें कि हम बहुत अमीर हो गए, हम क्या करें, वही बात है, कहाँ रखेंगे, हर बार तो हर हर 6 महीने में हमें कुछ मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन का आंसर, हु हैज बीन अवॉर्डेड द फुकुओका ग्रैंड प्राइज फॉर 2021? फुकुओका ग्रैंड प्राइज फॉर 2021 किसको मिला? बच्चों ये प्राइज जो दिया जाता है अपने लिखने से एशियन कल्चर को प्रिजर्व करने की कोशिशों के लिए दिया जाता है, थ्रू राइटिंग एशियन कल्चर को प्रिजर्व करने के एफर्ट्स के लिए फुकुओका ग्रैंड प्राइज दिया जाता है। अभी इस साल एक इंडियन को मिला है, किसको मिला है? चारों इंडियन है, किसको मिला है? चारों इंडियन है, किसको मिला है? अब सीधी सी बात है, एआर रहमान को तो मिला ना होगा लिखने के लिए, बाकी तीनों जो है हिस्टोरियंस हैं, तो इनमें से किसी एक हिस्टोरियन को मिला है, किसी एक हिस्टोरियन को मिला है। राइट आंसर है पी साईनाथ, राइट आंसर है बच्चों पी साईनाथ, बिल्कुल, यस कुमार, तो राइट आंसर है पी साईनाथ, बिल्कुल सही, पी साईनाथ इज द राइट आंसर बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर बताओ, विच वन बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन टू अडॉप्ट अ क्रिप्टो करेंसी एज लीगल टेंडर? विच वन बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन टू अडॉप्ट अ क्रिप्टो करेंसी एज अ लीगल टेंडर? किस देश ने क्रिप्टो करेंसी को लीगल करेंसी की तरह से सबसे पहले एक्सेप्ट किया है? किस देश ने क्रिप्टो करेंसी को एज अ लीगल करेंसी सबसे पहले एक्सेप्ट किया है? यस, राइट आंसर इज एल सल्वाडोर बच्चों। अच्छा यहीं पे बता दूं, 8 PM पर हम मिलेंगे राजस्थान जीके के, फिर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, राजस्थान जीके के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे आज 8 PM पर, और रात को नींद की गोली तो लेकर के सोएंगे ही 10:30 PM पर, फ्री स्पेशल क्लास मुल्तान का सुल्तान, है ना? हेलो, तो डी इज द राइट आंसर, एल सल्वाडोर, इसने सबसे पहले क्रिप्टो करेंसी को एज अ लीगल करेंसी एक्सेप्ट किया है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर बताओ, विच कंपनी विल बिल्ड वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल कनेक्टिंग यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राजील, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे? मतलब फर्स्ट की बात हो रही है, अल सल्वाडोर ने किया था, अब शायद जापान ने, अब तो धीरे धीरे कंट्रीज करेंगे ही करेंगे, सबका इन्वेस्टमेंट तो हो चुका है क्रिप्टो, देखो यार सब देशों के नेताओं ने पैसा क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर दिया होगा, तो लीगलाइज भी करवाएंगे करवाएंगे, है ना? चलो, तो राइट आंसर है बच्चों गूगल, राइट आंसर है गूगल, टेस्ला नहीं है, राइट आंसर इज गूगल बच्चों, टेस्ला नहीं है, गूगल इज द राइट आंसर, गूगल इज द राइट आंसर। मैं समझ रहा हूँ तुम्हें नेचर लवर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो तुमने टेस्ला लगा दिया होगा, एक बार मैंने जुगाड़ बताया था कि कुछ समझ में ना आया तो टेस्ला लगा देना, पर यहाँ पर आंसर गूगल ही है, जुगाड़ काम नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व, नेचर लवर बताओ बेटा तुम्हारा दिन है,
नेचर लवर तुम्हारा दिन है ये बताओ, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व किस दिन मनाई जाती है? इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी किस दिन मनाया जाता है? द राइट आंसर इज 22 मई. द राइट आंसर इज 22 मई, याद रखे ना. राइट आंसर इज 22 मई. अच्छा निशांत, यहां पर तुम सुल्तान नहीं हो, यहां पर निशांत हो, और मुल्तान के सुल्तान में सुल्तान है. ट्वेंटी सेकेंड में. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट चाइनीज रोवर दैट लैंडेड ऑन मार्स? मार्स पर लैंड करने वाले पहले चाइनीज रोवर का नाम. कुमार सही बात है. मार्स पर लैंड करने वाला पहला चाइनीज रोवर, मार्स पर लैंड करने वाला पहला चाइनीज रोवर. कुछ लोगों ने तिएनवेन लगाया है आंसर में, सुना होगा उन्होंने तिएनवेन जरूर. नहीं बेटा, न्यूटो राजस्थान जीके यूट्यूब पर ही होगा 8 बजे. राजस्थान जीके यूट्यूब पर होगा 8 बजे. ऐप पर तो गप्पे मारेंगे. अच्छा राइट आंसर इज यू रॉन्ग बच्चों, राइट आंसर इज यू रॉन्ग. कल करेंगे वहां पर, वहां कल आएगा नंबर, वहां कल नंबर आएगा. ठीक है, कल वहां स्पेशल क्लास में करेंगे. राइट आंसर इज यू रॉन्ग. बच्चों कुछ बच्चों ने तिएनवेन लगाया. तिएनवेन क्या है बच्चों? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो बना रहा है वो, अपना जो अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है चाइना, उसका नाम, उसका उसका नाम तिएनवेन है. यस नहीं, तिएनवेन अहमद, तिएनवेन जो है ना, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहा है चाइना, आई थिंक वो तिएनवेन है, मुझे याद आ रहा है. ज्यू रॉन्ग है मार्स वाला, मार्स का ज्यू ज्यू रॉन्ग है. ठीक है, जो स्पेस स्टेशन बना रहा है चाइना अपना, वो तिएनवेन है. चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. तो ये ज्यू रॉन्ग ही है. क्वेश्चन का आंसर बताओ. हु वॉन द मिस यूनिवर्स टाइटल फॉर 2021? 2021 का मिस यूनिवर्स टाइटल किसने जीता? Who won Miss Universe title 2021? ये 20 वाला था, 21 में हुआ था. यस राइट आंसर है बच्चों, एंड्रिया मेजा इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही, एंड्रिया मेजा इज द राइट आंसर. यस एंड्रिया मेजा इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर बताओ. यस काफी पॉपुलर हुई है मेडिसिन, काफी पॉपुलर हुई है मेडिसिन. डीआरडीओ ने लॉन्च की, बिल्कुल डीआरडीओ ने डेवलप की है मेडिसिन, बिल्कुल डीआरडीओ ने डेवलप की, काफी पॉपुलर हुई है मेडिसिन. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, ये तो आपने सबने सही लगाया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच अमंग द फॉलोइंग कोविड-19 वैक्सीन इज अ सिंगल डोज वैक्सीन? बहुत सारी वैक्सीन की तो डबल डोज लग रही है, चाहे वो कोवैक्सीन है, चाहे वो कोविशील्ड है, इनमें से कौन सी वैक्सीन सिंगल डोज वैक्सीन है?
कौन सी वैक्सीन सिंगल डोज वैक्सीन है? कोई जो है कोवोवैक्स बता रहा है, कोई फाइजर बता रहा है, मॉडर्ना कोई नहीं बता रहा है। नहीं, कुछ ने मॉडर्ना भी बता दिया है और कुछ ने स्पूतनिक लाइट भी बता दिया है शायद, है ना? यस, राइट आंसर है बच्चों स्पूतनिक लाइट। कोई बात नहीं, पांचवा ऑप्शन नहीं है मेरे पास, कोई बात नहीं, राइट आंसर है स्पूतनिक लाइट। राइट आंसर है बच्चों स्पूतनिक लाइट, स्पूतनिक लाइट इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, किसी के लगी है तुम में से? किसी के स्पूतनिक लगी है क्या? कोई है इस क्लास में जिसे स्पूतनिक लगी हो, रशियन वाली? मैं ढूंढना चाह रहा हूं, मुझे अभी तक कोई मिला नहीं जिसको स्पूतनिक लगी है। क्या पता यहाँ हो, चैट बॉक्स में कोई हो। रवि प्रकाश तुम्हारे लगी है? क्या बात है, कौन से शहर से हो तुम? वो शहर तो देखे कहाँ लग रही है, कौन से किस सिटी में हो रवि? नेचर पतंजलि वाली लगवाई है तुमने? अच्छा तो जयपुर में स्पूतनिक लग रही है, ग्रेट। जयपुर में स्पूतनिक लग रही है, अच्छा है। कोई राजस्थान का एग्जाम देने जा रहा है, वहीं लगवा जाओ, स्पूतनिक लगवा लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो आंसर बताओ, हु हैज बिकम द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर इन हिस्ट्री? हु हैज बिकम द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर इन हिस्ट्री? यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर इन हिस्ट्री? बिल्कुल सही, ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है। द राइट आंसर इज अभिमन्यु मिश्रा, द राइट आंसर इज अभिमन्यु मिश्रा बच्चों। यस, द राइट आंसर इज अभिमन्यु मिश्रा, बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर इज अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, हु हैज बिकम Who has become the youngest Indian cricketer to play in all formats? Who has become the youngest Indian cricketer to play in all formats? बिल्कुल सही जवाब, द राइट आंसर इज शेफाली वर्मा। यस, द राइट आंसर इज शेफाली वर्मा। आंसर सब लोग लिखो चैट बॉक्स में, तभी तुम्हें याद रहेगा, जब तुम लिखोगे ना तो तुम्हें याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल स्विमर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स? इन्हें कुछ मिला नहीं लेकिन नाम तो रोशन किया, इन्होंने क्वालिफाई किया, पहली बनी क्वालिफाई करने वाली। हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल स्विमर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स? द फर्स्ट इंडियन फीमेल स्विमर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स। एक बच्चों मैंने आप लोगों के लिए टोक्यो ओलंपिक्स पर स्पेशल क्लास यूट्यूब पे लगाई थी, उसको देख लेना दोबारा। उसका मैंने पीडीएफ भी डाल दिया था, पीडीएफ भी मैंने उसका डाल दिया था। राइट आंसर है माना पटेल। यस, राइट आंसर है माना पटेल। माना पटेल इज द राइट आंसर बच्चों, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर बताओ, विच एशियन कंट्री वॉज डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? WHO ने किसी एक देश को
मलेरिया फ्री अनाउंस किया है। WHO ने किसी एक देश को मलेरिया फ्री अनाउंस किया है, किसको? न्यूटो ने बहुत सारे झंडे रख रखे इस देश के अपने पास, फिर एक झंडा निकाल दिया। राइट आंसर है बच्चों, यस, बिल्कुल सही। अब सही वाला निकल करके आ रहा बाहर आंसर, यस द राइट आंसर इज चाइना। बच्चों चाइना को मलेरिया फ्री अनाउंस कर दिया है, चाइना को मलेरिया फ्री अनाउंस किया है WHO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कह रहे हो कुमार, सही कह रहे हो। हाँ अहमद, सही बात है, सही कह रहे हो अहमद, तुम भी सही कह रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 में इंडिया की रैंक। बबलू एक काम करो, तुम्हारी जगह पेपर भी मैं ही दे आता हूं बेटे, इतना भी कष्ट मत लो। राइट आंसर है बच्चों, इसमें इसमें ही उल्टा है बच्चों, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी में इंडिया ने अच्छा किया, इंडिया ने अपनी रैंक को इम्प्रूव किया है। एंड राइट आंसर इज डी, 10th। राइट आंसर इज डी, 10th बच्चों, इसमें इंडिया ने अपनी रैंक को काफी इम्प्रूव किया है, नेचर इसमें इंडिया ने अपनी रैंक को काफी इम्प्रूव किया है, 10th रैंक पर आया इंडिया साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में, समझे? कभी कभी झटका लग जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रामपाल पावर स्टेशन, द रामपाल पावर स्टेशन दैट वॉज मेकिंग अप न्यूज रिसेंटली वॉज लोकेटेड इन विच कंट्री? चर्चाओं में आया था रामपाल पावर स्टेशन किस देश में है, अभी न्यूज में था रामपाल पावर स्टेशन किस कंट्री में है। देखो नाम है रामपाल पावर स्टेशन, किस कंट्री में है, उसने उस्मान ने सोचा कि रामपाल नाम है तो नेपाल भेज दो है। राइट आंसर है बच्चों बांग्लादेश, राइट आंसर है बांग्लादेश। न्यूटो गलत झंडा है तुम्हारा, ये तो नेपाल का झंडा है, राइट आंसर है बांग्लादेश, बांग्लादेश। और ये चर्चाओं में क्यों आया था, ये यस, ये चर्चाओं में इसलिए आया था क्योंकि यहाँ इंडिया ने अपना कोयला एक्सपोर्ट किया है, इसको इंडिया ने अपना कोल एक्सपोर्ट किया है, इसको इंडिया ने अपना कोल इसको एक्सपोर्ट किया है। सही जवाब है छोटू का, छोटू, यस छोटू का भी छोटू, इंडिया के कोलैबोरेशन से चल रहा है, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर बताना, फिर मैं इस आंसर को चेंज करवाऊंगा। अभी इस क्वेश्चन में मुझे आंसर बताओ, फिर मैं उस आंसर को चेंज करवाऊंगा, बताता हूं क्यों। नेम द फ्लैग बियरर ऑफ इंडियन कंटिजेंट, ये इंपॉर्टेंट आगे के लिए होगा, अभी तो ये चल ही रहा है, इस समय पैरालंपिक्स तो चल रहा है। नेम द फ्लैग बियरर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट इन द टोक्यो पैरालंपिक्स, टोक्यो पैरालंपिक्स में, टोक्यो पैरालंपिक्स इस समय चल रहे हैं, यस बिल्कुल सही मयंक, टोक्यो पैरालंपिक्स इस समय चल रहे हैं, उसमें फ्लैग बियरर कौन है? अब जो फ्लैग बियरर बना उसका इन चारों में नाम ही नहीं है ऑप्शन में, जो फ्लैग बियरर बना उसका इन चारों में नाम ही नहीं है। देखो बच्चों मैं बताऊं है क्या, देखो अगर पुराना पेपर पेपर पहले ही छप गया होगा, पहले ही पेपर छप गया होगा तो ये ऑप्शंस होंगे और आंसर हो जाएगा मरियप्पन थंगावेलु, अगर पेपर पहले ही छप गया होगा।
एक्चुअली कंटिजेंट के फ्लैग बीरर अनाउंस कर दिया गया था मरियप्पन थंगावेलु को, लेकिन इनके पूरे ग्रुप को कोविड हो गया, इनके पूरे ग्रुप को कोविड हो गया, इसलिए मरियप्पन थंगावेलु की जगह अब इनकी जगह नाम जो जिन्होंने किया वो है टेकचंद। शॉर्टफुट फेंकते हैं ये, शॉर्टफुट फेंकते हैं, गोला फेंकते हैं टेकचंद। तो टेकचंद जो है अब फ्लैग बियरर बने, इस वजह से टेकचंद फ्लैग बियरर बने, टेकचंद ये फ्लैग बियरर बने बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टेकचंद फ्लैग बियरर बने, क्लियर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना, वैसे आंसर होगा राइट टेकचंद, सपोज ऑप्शन में टेक चलना हो तो एम थंगावेलु। नेक्स्ट क्वेश्चन, राही सरनोबत हैज रिसेंटली क्लेम्ड गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन विच इवेंट। एक्चुअली राही सरनोबत इसमें तो अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन इन्होंने इस साल जो है मेडल जीते, ओलंपिक से पहले इन्होंने इस साल मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। राही सरनोबत ने ओलंपिक से पहले एक कंपटीशन में गोल्ड मेडल जीता था, किसमें? यस बच्चों, द राइट आंसर इज शूटिंग, राइट आंसर इज शूटिंग बच्चों, बिल्कुल सही, राइट आंसर इज शूटिंग, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who became the first Indian woman cricketer to be handed a four-year ban after failing the dope test? पहली महिला क्रिकेटर भारत की जिन पर डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का बैन लगा। इंडिया की पहली महिला क्रिकेटर जिन पर डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर 4 साल का बैन लगा। तो राइट आंसर है बच्चों अंशुला राव, बिल्कुल सही जवाब, ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, अंशुला राव इज द राइट आंसर। ये सब मैंने आपको फोटो दिखा रखी है, ये सब पढ़ाया था, अंशुला राव इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर बताना, कौन सी स्पेस एजेंसी वर्ल्ड के फर्स्ट फिजिकली डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट को लेकर जाएगी? कौन सी स्पेस एजेंसी वर्ल्ड में पहली स्पेस एजेंसी बनेगी जो फिजिकली डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट को लॉन्च करेगी? दोबारा से बताऊं, आज हम मिलेंगे 8 PM पर राजस्थान जीके में, और फिर रात को 10:30 PM पर फ्री स्पेशल क्लास ऐप पर राजस्थान जीके यूट्यूब पर, और कल हम मिलेंगे 1 PM पर, टुमारो 1 PM संडे को हम मिलेंगे 1 PM पर, जनरल साइंस कराऊंगा बच्चों, जनरल साइंस कराऊंगा, RVNL के लिए जनरल साइंस कराऊंगा, राजस्थान में 2 से 3 क्वेश्चन जनरल साइंस से आ सकते हैं, तो जनरल साइंस की क्लास लूंगा। और जनरल साइंस और करंट मिक्स करूंगा, जनरल साइंस और करंट मिक्स करूंगा, दोनों लूंगा, उसमें जनरल साइंस भी होगी और करंट भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाँ इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी वर्ल्ड की पहली एजेंसी बनेगी जो कि फिजिकली डिसेबल्ड एस्ट्रोनॉट को लॉन्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर इनॉग्रेट्स एशियाज लॉन्गेस्ट एंड वर्ल्ड्स फिफ्थ लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक नेट्रेक्स। एशिया का लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक ऑटोमोबाइल्स के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए एशिया का लॉन्गेस्ट और वर्ल्ड का फिफ्थ लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक
लॉन्च किया, कहाँ लॉन्च किया? बिल्कुल सही जवाब, तुम लोगों को याद है, वेल डन। राइट आंसर इज इंदौर बच्चों। इंदौर की एक खास बात और है, क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड भी इसी को मिला है। क्लीनेस्ट सिटी भी इंदौर को ही बनाया गया है, क्लीनेस्ट सिटी भी इंदौर को ही बताया गया है, ठीक है। इंदौर की म्यूनिसिपैलिटी ने बहुत अच्छा काम किया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन कुमार, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप ओरिजिनली स्लेटेड टू बी हेल्ड इन इंडिया विल नाउ बी शिफ्टेड टू। थैंक यू मयंक, मैं भूल जाता हूँ पढ़ा के, मयंक मैं भूल जाता हूँ मैं तो बहुत भूलता हूँ कहाँ हो रहा है यार, कहाँ पर हो रहा है? आईपीएल। ही इज द राइट आंसर बेटा, यूएई में मिलेगा राठौर। डी इज द राइट आंसर, राठौर टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, एक दिन का वेट और करना पड़ेगा, डालता हूं फुर्सत तो मिल जाए फिर डालता हूं। आई ट्राई कि कल कल दिन में डालूंगा, कल दिन में डालूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अच्छा उसका आंसर तो देख लिया था ना, यूएई इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों बस इतना याद रख लो कि अमिताभ कांत किसके सीईओ हैं, इनको एक साल का। मयंक ऐसी बात नहीं है बेटे, मैंने कल ही हिंदी की पीडीएफ डाली है उसे देख लो, कल ही हिंदी की पीडीएफ डाली है उसको देख लो। यस ओके ओके मयंक, अच्छा। नाउ राइट आंसर इज नीति आयोग, राइट आंसर इज नीति आयोग। यस नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत, इनको एक साल का एक्सटेंशन दिया गया है। नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत, इनको एक साल का एक्सटेंशन दिया गया है। ये नाम इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक आईईएस में भी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया है, नीति आयोग वाला जो है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, अभी का इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, के बाद कल फिर कराऊंगा, कल करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चंस कराऊंगा, कल फिर कराऊंगा 1 PM पर करंट अफेयर और साइंस के क्वेश्चंस, ठीक है। ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर इंडिया, अभी इसको 200 साल हुए हैं, ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर इंडिया इसको 200 साल हुए हैं, अभी रिसेंटली इसको 200 साल हुए हैं, ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया अभी बना है, इसको अभी 200 साल हुए हैं। राइट बच्चों, द राइट आंसर इज बॉम्बे समाचार, राइट आंसर इज बॉम्बे समाचार बच्चों। हाँ हाँ सौरभ, राजस्थान जीके की क्लास आज सुबह भी हुई थी, 10 AM पर आज सुबह एक क्लास हो चुकी है राजस्थान जीके की, चेक कर लो, मिल जाएगा अभी तुम्हें वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। और अब दूसरी क्लास 8 PM पर होगी, 8 PM ही, हाँ राजस्थान जीके की दूसरी क्लास 8 PM पर होगी बच्चों, ठीक है 8 PM पर, अभी 8 PM पर मिलेंगे और रात को फिर मिलेंगे 10:30 पर फ्री स्पेशल क्लास में, ठीक है। चलिए
गौरव 7 PM है या 8 PM है यार? वही तो 8 PM ध्यान है, 7 PM है, 8 PM है, आई थिंक 8 PM है गौरव, आई थिंक 8 PM है, इट्स 8 PM। ठीक है चलिए फिर चेक कर लेना, लाइव इवेंट्स में दिख जाएगा। थैंक यू अहमद, अहमद वापस आ चुका है अपने गार्डन के साथ, अहमद अपने गार्डन के साथ वापस आ चुका है और कुमार ने भी अपना गार्डन सजा दिया है। थैंक यू, जिससे मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है। चलो रितेश, मैंने कहा ना एक दिन का टाइम, बस एक दिन का टाइम दो। चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, मिलते हैं 8 बजे फिर मिलेंगे थोड़ी देर का, मैं कुछ क्वेश्चंस और तैयार कर लूं, 8 बजे फिर मिलेंगे। चलो थैंक यू, जिसने लाइक शेयर ना किया हो अब तो कर दो, जिसने लाइक शेयर ना किया हो अब तो कर दो। ठीक है नेचर लवर, चलते यार, बस तुम थर्ड वर्ल्ड वेव रुकवा दो, चलते फिर। थैंक यू, अब तो तुम जहां कहोगे वहां चला जाऊंगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं, अब तो मैं फ्री हूं, कहीं भी जा सकता हूँ। चलो चलो मिलते हैं बच्चों।